हर एक शख्स की जिंदगी अलग है, हर किसी के अनुभव भी अलग होते हैं और उसी हिसाब से वो अपनी जिंदगी डिफाइन करते हैं। ऐसा करना ठीक भी है, पर एक चीज जो कॉमन है सबके लिए वो है संयम रखना और सही वक्त पर सही काम करना, और इसमें ज्योतिष आपकी मदद करता है। तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी कुंडली। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान देव शंकर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी कार्यक्रम में। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और पूरे हफ्ते का हम राशिवार तरीके से जानेंगे सारी 12 राशियों के बारे में, लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हम सब प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं, लेकिन कई बार दुआएं पूरी नहीं होती, हमें इंतज़ार करना होता है, तो क्या आप कोई तरीका बता सकते हैं जिससे सारी प्रार्थनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाएं? कि मन में जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपका विषय है, बहुत दिनों से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, प्यार में कोई दिक्कतें आ रही हो, या नौकरी व्यवस्था में कोई परेशानी आ रही हो, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत अगर हो रही है, तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा चीज़ है जिसको समझना है। एक कागज़ ले लीजिए और उस पर ब्लू पेन से आप लिख दीजिए 1119। फिर से मैं बोल रहा हूँ 1119। अगर आप ये लिख देते हैं और उसके नीचे लिख दीजिए रीम, उसके नीचे लिख दीजिए रीम, और लिख करके आपकी जो भी ख्वाहिश है उसमें उसको लिख करके और उस तकिए के नीचे 11 दिन तक रखे रहिए। 11 दिन के बाद में उसको उठा करके अपने माथे से लगा करके पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी उसके अंदर आप लिख रखे हैं, निश्चित तौर पे वो आपका पूरा होगा। अगर बहुत दिनों से ये काम आपका अटका हुआ था, तो ये उपाय करने से, बहुत छोटा सा सरल उपाय है, ये उपाय करने से आपके जीवन में वो बहुत तरक्की देगा और आपकी ख्वाहिश जो है वो आपका, आपका जो विश है वो आपका विश पूरा होगा और इससे आपका शुक्र भी मजबूत रहेगा। चलिए बिल्कुल, ये हमने बताया है तरीका विश पूरी करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों का सिलसिला आप शुरू करते हैं आचार्य जी। सबसे पहले मेष राशि के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है? मेष राशि वालों के लिए 18 मार्च से 24 मार्च तक का सप्ताह बहुत शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, कारोबार में लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी, स्वास्थ्य समस्याएं भी इस सप्ताह हल होगी। अगर फिर भी कोई, अगर आप उपाय करना चाहते हैं अपने मजबूती के लिए, तो बंदर को केले खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा और मजबूत रहेगा ये सप्ताह आपके लिए। बिल्कुल, तो उपाय भी हम आपको साथ बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली राशि का रुख करेंगे वृषभ राशि। इन जातकों के लिए आप क्या संदेश लेके आए हैं आचार्य जी? वृषभ राशि वाले के लिए मैं कहना चाहूंगा, वृषभ राशि वालों के लिए 18 मार्च से 24 मार्च तक का समय अनुकूल रहेगा। काम काज के सिलसिले में यात्रा की योजनाएं बन सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस तरह का ये सप्ताह आपके लिए रहेगा। फिर भी अगर और मजबूत करना चाहते हैं, तो भगवान शिवलिंग की सफ़ेद चंदन से पूजा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपके लिए अच्छा समय है। आगे बढ़ेंगे, अगली राशि का नंबर है मिथुन राशि के जातक। उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? क्या उनके जो काम रुके हुए हैं वो बनेंगे? ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम सप्ताह है, मध्यम रहेगा। शारीरिक थकान बनी रह सकती है, काम काज में अड़चने आएगी, आपसी संबंध को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। आपस में किसी भी प्रकार की मतभेद ना करें ये सप्ताह। फिर भी अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि का नंबर है। अब कर्क राशि के जातक, उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? कर्क राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, धन लाभ का योग बन रहे हैं, आपको मनचाहा कैरियर मिलेगा, किसी पद से
सम्मानित आपको सफलता मिल सकते हैं, परिवार में मेल जोल आपका बढ़ेगा। फिर भी अगर इस सप्ताह और अच्छे मजबूती लाना चाहते हैं तो काले कुत्ते को पनीर खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो दान करना है आपको और क्या करना है वो आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी सिंह राशि के जातक, उनके लिए ये हफ्ता क्या पैगाम लेकर आए हैं? आपके लिए 18 मार्च से 24 मार्च तक का सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगी। नौकरी हो या कारोबार, आपके लिए सब अच्छा है क्योंकि समय आपके लिए शुभ है। धन लाभ होंगे। मानसिक तनावों से हर प्रकार से आप मुक्त होंगे और पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छा बना रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। फिर भी अगर आप मजबूती चाहते हैं तो प्रतिदिन भगवान सूर्य देव पे जल अर्पण करें या सूर्य की उपासना करें तो इससे सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो उनके लिए अच्छा समय है और जो करना है वो हम आपको बता ही रहे हैं। कन्या राशि, इनके जातकों के लिए आप क्या बताएंगे, क्या इनके रुके हुए काम पूरे होंगे? जी, कन्या राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा 18 मार्च से 24 मार्च तक का समय मध्यम बना रहेगा। किसी भी काम को अपने आप पे टाले नहीं, बड़े अच्छे से करें। आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो। लोगों से बात विवाद में ना फंसें, उससे बचें। मेहनत आपको अधिक करनी पड़ सकती है और समस्याओं को लेकर के आपके मन में थोड़ा चिंता रह सकता है इस सप्ताह। फिर भी अगर आप अपने इस सप्ताह अगर उपाय करना कुछ चाहते हैं तो तुलसी में दूध और जल को अर्पित करके, मिला करके तुलसी में उनको चढ़ाएं तो आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए, उनको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से ही काम बनेंगे। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी तुला राशि, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तुला राशि के जातकों के लिए 18 मार्च से 24 मार्च तक का समय आपका पूरा साथ देगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। दोस्ती की वजह से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। शुभ परिणाम मिलने का है। प्रेम संबंध भी आपके मजबूत होंगे। ये सप्ताह आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। फिर भी अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो शुक्रवार को कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाएं, जिससे कि आपके व्यापार में या नौकरी में और प्रेम संबंध में तरक्की मिले। बिल्कुल, तो आपको सफ़ेद चीज़ खिलानी है, सफ़ेद चीज़ का आपको दान करना है। आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे आचार्य जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए कहना चाहूँ, इस राशि के लिए नए शुरुआत की शुभ अवसर प्राप्त हो रही है। लाभकारी रहेगी। विदेश यात्रा करने का योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके धन लाभ का योग होगा। कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपका और परिवार में बहुत तरह के सुख शांति आपको देखने को मिलेगा। फिर भी इस सप्ताह अगर आप मजबूती लाना चाहते हैं तो चींटी को मीठे भोजन कराएं, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। आचार्य जी, ऐसा कई बार सुना भी है मैंने कि चींटी को भोजन कराते रहना चाहिए, क्या ये अच्छा रहता है सभी के लिए? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि शनि कोई कमजोर स्थान पे बैठा है या शनि की ग्रह अगर किसी पे खराब चल रहा हो तो ऐसे परिस्थिति में अगर चींटी को भोजन कराएं और कबूतर को दाना डालें तो ये उपाय करने से शनि मजबूत होता है और उनको नुकसान झेलना नहीं पड़ता जातक को, और हर प्रकार के उनके मन में उत्साह बढ़ जाता है और शांति मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे धनु राशि के जातक, उनके लिए आप क्या संदेश लेकर आए हैं? ये सप्ताह आपके लिए समय अच्छा है। मित्रों की सहयोग से मिलेगी नौकरी। व्यवसाय में आपके लिए बहुत अच्छा सफल होंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा ये सप्ताह आपके लिए। फिर भी आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करें तो आपके लिए और उत्तम रहेगा। बढ़िया आपको लाभ मिलेगा।
ये बहुत बढ़िया, ये आप बता रहे हैं आचार्य जी। आगे बढ़ेंगे मकर राशि, जो जिनकी ये राशि है मकर राशि, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या उनको बताएंगे इस हफ्ते के लिए? मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये हफ्ता आपके लिए मध्यम रहेगा। भाई बहन से विवाद हो सकता है, आपको आपस में बचना है, आपको क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा निर्णय नहीं लें, और लें तो सोच समझ करके लें। मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि मन में चिंता उत्पन्न हो सकता है ये सप्ताह आपके लिए। फिर भी अगर शिव जी की पूजा पाठ करते हैं और भगवान शिव पे बेल पत्र अगर आप चढ़ाते हैं, तो मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा निकलेगा। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, दो राशियां बची हैं, कुंभ और मीन। सबसे आखिर तक इनको इंतजार करना पड़ता है हमेशा, कुंभ राशि, इनके लिए आप क्या बताएंगे? जी, कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ये सप्ताह आपके लिए सामान्य लेकर के आया है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। सुख सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु खरीद सकते हैं इस सप्ताह में आप। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। कोई विशेष कार्य क्षेत्र में आपको यात्रा भी करना पड़ सकता है, और अगर आप इस सप्ताह और अच्छा करना चाहते हैं तो भगवान संकट मोचन वीर हनुमान का पाठ करें, जिसको करने से आपको और लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको लाभ मिलेगा। तरीका क्या है आपको बता दिया है। मीन राशि, इनके जातकों के लिए आप क्या बताएंगे आचार्य जी? जी, मीन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपके लिए ये अच्छा, ये सप्ताह अच्छा बना हुआ है। 18 मार्च से 24 मार्च तक का समय अच्छा रहेगा। धन में वृद्धि होगी। नौकरी व्यवसाय में सभी बाधाएं आपकी दूर होगी। कारोबार में निवेश करने के लिए आपका उत्तम समय है इस समय। और आपके परिवार के अंदर में भी जो प्रेम संबंध है, वो भी बहुत अच्छा मधुर बना हुआ है। आगे के लिए आपके लिए तरक्की की योग बन रहा है ये सप्ताह। और इस सप्ताह में मीन राशि वाले अगर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु पर पीले फूल चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। पीले फूल भगवान विष्णु पे चढ़ाने से, अर्पण करने से आपके गुरु मजबूत होंगे, जिनके द्वारा आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो तमाम राशियों का हमने पूरे हफ्ते का राशिफल बताया है, आपकी कुंडली पर हमने नजर डाली है, बताया किन चीजों को करना है, किससे बचना है। प्रोग्राम को समाप्त करने का समय आ गया है आचार्य जी, लेकिन जाते जाते जो हमने सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू किया था, उसको आगे बढ़ा लेते हैं। आपने बताया था कि किचन में हल्दी और नमक साथ नहीं रखना, ये अच्छा नहीं होता आपके ग्रहों के लिए। क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे, कोई और टिप आप देना चाहेंगे हमें आज? जी, मैं कहना चाहूँगा, देखिए किचन के अंदर में है बहुत छोटी सी चीज़ें, बहुत छोटी वस्तु होती है, और मेरी माताओं एवं बहनों इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से प्रयोग करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए तेज पत्ता, मैंने नमक और हल्दी पे कहा था, आज मैं एक छोटे से तेज पत्ते के ऊपर बात बता रहा हूँ। किचन के अंदर में तेज पत्ता रखा रहता है। तेज पत्ते से किचन के अंदर में और परिवार के अंदर में, घर के अंदर में बहुत एनर्जी मिलती है। तेज पत्ते के अंदर में जो तेज पत्ता है, उसमें बहुत तरह के गुण पाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी और ज्योतिषों के अनुसार भी, तो तेज पत्ते को अगर आप किचन में कहीं पे भी रख देते हैं, तो उसका प्रभाव कम मिलता है। अगर नॉर्थ के दिशा में अगर आप तेज पत्ता रखते हो, तो आपके परिवार के अंदर में बहुत अच्छा सुख शांति बना रहेगा, ना ही किसी भी प्रकार की मानसिक संतुलन खराब होगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी भी चल रही है, तो जैसे तुलसी के पौधे से घर परिवार में वास्तु दोष का निवारण होता है और व्यक्ति के जीवन में लाभ मिलता है, वैसे ही किचन के अंदर में तेज पत्ता रखने से नॉर्थ के दिशा में
परिवार के अंदर में बहुत सुख शांति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो समस्या भी दूर हो जाएगा। और ख़ास तौर पे मैं गुलवीर जी एक चीज़ और मैं छोटा सा शब्द कहना चाहूँगा, देखिए ऑयल रखा रहता है कई बार किचन के अंदर में, माता एवं बहनों एवं भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा, जो मान लीजिए शारीरिक कोई समस्या आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी है, मान लीजिए स्किन का कोई प्रॉब्लम है, कोई शरीर पे कोई छोटा सा दाना बन गया हो, तो ऐसे में जो नारियल का तेल है उसकी डिब्बी को लेकर के अगर नॉर्थ की दिशा में रात्रि के समय रख दीजिए और सुबह उसको उठा करके थोड़ा सा अपने स्किन पे लगा करके और शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आप देखिए आपके शरीर में बहुत तरह की एनर्जी मिलेगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की शरीर में कोई समस्याएं थी तो समस्याएं हफ्ते भर में दूर हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, छोटी चीज़ आजमा करके देखें तो आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए और सारी बातें हमारे साथ साझा की हैं। तो अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे आपकी कुंडली के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।